हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे पास है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। ये इसका 2.8Z ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है। हेडलाइट्स की बात करें तो फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर देखने मिल जाते हैं, जिसका थ्रो रात में बहुत तगड़ा है। फॉग लैंप की बात करें तो इसमें आपको हैलोजन फॉग लैंप देखने मिल जाते हैं। फ्रंट ग्रिल की बात करें तो कुछ ऐसी इसकी ग्रिल आपको मिल जाती है, नीचे क्रिस्टा लिखा हुआ मिल जाता है। फ्रंट से तो एग्रेसिव लुक मिल जाता है गाड़ी का। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है इस गाड़ी का, और लुक के मामले में तो ज़बरदस्त गाड़ी है एकदम। टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 17 इंचेस का डुअल टोन में डायमंड का अलॉय व्हील्स मिल जाता है। टायर साइज़ 215R17। रियर से कुछ ऐसा लुक देखने मिल जाता है इसमें आपको। पीछे आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर विथ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। नीचे आपको कैमरा मिल जाता है रियर, और पीछे आपको इधर 2.8Z की बैजिंग और दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 300 लीटर्स का बूट स्पेस देखने मिल जाता है, जो कि सफिशिएंट है। और स्पेयर टायर आपको गाड़ी के नीचे देखने को मिल जाता है। सो, कुछ ऐसा इसका इंटीरियर देखने मिल जाता है आपको। ऐसा स्टेयरिंग आपको आता है लेदर फिनिश में पूरा। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पर आपका क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है आपको सेमी डिजिटल, और यहाँ पे पूरा डिजिटल आता है बीच में। मिडिल कंसोल की बात करें तो इसमें आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ। वायर्ड वाला आता है, वायरलेस नहीं मिलता है इसमें। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इको पावर मोड के लिए बटन्स। ये 2.8Z ऑटोमेटिक वेरियंट है इनोवा क्रिस्टा का। ऊपर आपका मिरर, यहाँ पे आपका सनग्लास होल्डर, दो लाइट्स और कुछ एम्बेंट लाइट। डोर ट्रिम की बात करें तो इसमें आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलता है इधर। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर देखने मिल जाता है। यहाँ आपका स्टार्ट स्टॉप बटन, और आपको टोटल 8 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर के साथ। और ये आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। तो अंदर की साइड कुछ ऐसा आपको एक 120 वैट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज की जगह, यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स। ये आपका गियर नॉब ऑटोमेटिक, इधर आपका हैंड ब्रेक, एक कप होल्डर। और ये डोर में आपको एक लाइट मिल जाता है। तो रियर की बात करें तो कुछ ऐसा आपको रियर से लुक आता है आगे का। यहाँ पे आपको एक लैपटॉप होल्ड करने के लिए या फिर कुछ अपना खाना वाना खाने के लिए एक ट्रे मिल जाता है, जिसका मैक्सिमम वेट 10 kg है। यहाँ पे ऊपर आपको AC का कंट्रोल्स मिल जाता है, 2 AC वेंट्स मिलते हैं, और थर्ड रो में भी आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसे आपको 2 कैप्टन सीट्स देखने मिल जाते हैं बीच में, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। रिक्लाइन विक्लाइन सब एकदम मस्त। यहाँ पे आपका डोर हैंडल जो कि क्रोम में, पावर विंडो कंट्रोल्स, थोड़ा सॉफ्ट टच वुडन फिनिश। थर्ड रो की बात करें तो आपको पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और स्पेस ठीक ठाक देखने मिल जाती है। और यहाँ पे आपको 2 आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं पीछे। कैप्टन सीट है तो कंफर्ट का कोई टेंशन ही नहीं है, बेस्ट। और पीछे आपको एक नीचे हम्प मिल जाता है एक मिडल में, और यहाँ पे आपको एक 12V का सॉकेट भी मिल जाता है। और यहाँ थोड़ी स्टोरेज की जगह, और एक चार्जिंग पोर्ट, USB और ऑक्स पीछे गाने लगाने के लिए आपको इंफोटेनमेंट में। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट देखने मिल जाते हैं आगे के साइड में, पीछे के साइड में नहीं। इसमें आपको टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ।